हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद है सब अच्छी होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली पे गुजिया बनाने की रेसिपी। तो बहुत आसानी से और आप थोड़ी सी चीज़ों से भी और परफेक्ट गुजिया बना सकते हो। तो चलो हम बनाते हैं अपनी गुजिया। तो ये देखो हमारे पास है कढ़ाई। पहले हम रखेंगे गैस के ऊपर कढ़ाई और कढ़ाई को हम चालू करेंगे गैस और इसमें डालेंगे हम हमारे पास है सूजी। तो हमें इसमें ये सूजी डालेंगे, ये 1.5 चम्मच हमने सूजी का लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हम भूनेंगे। ये मत सोचना कि ये सूजी ऐसे ही डाल दिया, ये मैंने सूजी को छान के रखा हुआ है। फ्रेंड्स सॉरी, मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, दवाई खा रही हूँ लेकिन मेरे गले में आराम नहीं आ रहा है। तो अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मेरे वीडियो कम आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ अच्छे से। तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा। इसको हम अच्छे से भूनेंगे सूजी को। इसको थोड़ा सा, इसका ज़्यादा नहीं भूनेंगे, मतलब ज़रा सा कलर इसका चेंज होना चाहिए। कलर हमारा चेंज हो जाएगा इसका। सूजी हमारी जितनी हमें भूननी चाहिए उतनी हमारी ये भून चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे ये नारियल का बुरादा, जो घर का गोला होता है ना उसी को मैंने मिक्सी में पीस रखा था, उसी को मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद में देखो हमारी सूजी इसमें मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये है हमारे पास थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दूध, तो हम इसमें दूध को छोड़ देंगे और इसको हम अच्छे से चलाए। तो इसको आपको ना मावे की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी, अब हम गैस को बंद करके इसको अच्छे से चलाएं क्योंकि हमारा रेड हो जाएगा ना तो फिर इसमें टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने कर दिया बंद। अब ये जो हमने दूध डाला है ये हमारा मावे का काम करेगा। आपके पास में मावा है तो डाल सकते हैं, जिनके पास में मावा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और बच्चे गुजिया मांगते हैं, तो आप इस तरीके से अगर गुजिया बना के उनको देंगे उनको एहसास भी नहीं होगा कि ये बाज़ार की हैं कि घर की हैं। बाज़ार से बहुत महंगी आती हैं। तो आप भी अपने बच्चों को घर पे गुजिया बना के अपने बड़ों को सबको दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ठंडा। गैस हमारी बंद है, अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी, इसको होने देते हैं ठंडा, तो आगे की कार्रवाई करते हैं शुरू। हमारे गुजिया बनाने के लिए हमारे पास है ये 1.5 कप मैदा। हम क्या करेंगे, इस मैदा में हम डालेंगे मोइन। तो मोइन हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा घी इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे मोइन और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ताजे पानी से गूंद लेंगे। जो हमारी मैदा है हमने इसमें मोइन डाला है, ये देखो अच्छे से मुट्ठी बन रही है। तो ऐसे हमने इसमें मोइन डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। ये हमारी मैदा गूंद के हो गई है रेडी। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक कपड़े को थोड़ा सा पानी में गीला करेंगे, हल्का 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 सा पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे। और इसको ऐसे ढक के रख देंगे गैस के ऊपर। मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें से इतना पानी लग चुका है और इतना पानी इसमें बच गया है। मैदा हमारा गूंद चुका है और अब जो भी हमने ये बनाया है अंदर बैटर, उसके भरने के लिए फिलिंग बनाई है, तो उसको अब हमारा ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जिस चमचे से हमने ये सूजी ली थी उसी चमचे को हम डाल के इसमें डालेंगे मीठा। मीठा तो अपने स्वाद अनुसार, जितना आपको पसंद है, किसी को कम किसी को ज़्यादा,
अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, और नहीं जितनी आपने सूजी ली है उतना ही इसमें मीठा डालें। तो मेरा मीठा इसमें मिक्स हो चुका है। मैंने इसमें एक चम्मच मीठा डाला है। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो इसमें जितनी सूजी है उतना डालें। मैं कम मीठे की बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच डाला है। तो ये हमने कर लिया मिक्स। इसको देखो लग रहा है ना इसमें मावा, कि जैसे हमने मावे का बनाया है। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि इसमें खोया नहीं डला हुआ है, और जल्दी से भी बन जाती है और कम खर्चे के अंदर बनती है। सूजी आपके पास होती है, दूध आपके घर में होता है, बूरा अपने घर में होता है, नहीं तो चीनी पीस के बना लो, नारियल भी गोला भी अपने घर में होता है। किसी चीज़ की बाहर से लाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, सब कुछ घर पे ही आपके भी घर पे होता होगा। और हमारी जो ये मैदा है इसको भी हम देख लेते हैं, इसको रेस्ट पर रखा हुआ था तो मैदा भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो अब हम बनाते हैं गुजिया। अब जो हमारे पास मैदा है इसको हम क्या करेंगे, एक चीज़ तोड़ेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ, आपके पास में अगर सांचा नहीं है तो आप हाथ से आराम से बना सकते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ें और पूरी पूरी बना के, और ऐसी छोटी छोटी तोड़ के मैं इनको बनाऊंगी। ये देखो सारी की मैंने इनकी लोइयाँ तोड़ लेनी है। ये लो इतनी हमारी बनके लोइयाँ तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूड़ियों को बेलेंगे। पूड़ियों को बेलेंगे हल्के हाथ से, और इधर हमारा ऑयल गरम हो रहा है, जो हम घी में इनको सेकेंगे ना वो हमारा डालती हूँ कढ़ाई के अंदर। ये ऐसे पूड़ियाँ बेलनी है। ये देखो ऐसी पूड़ियाँ, इतनी मोटी होनी चाहिए इसकी पूड़ी। तो और इसको हम साथ के साथ भरते रहेंगे। ना मैंने इसके लिए गोल बनाया है, ना मैंने कुछ ऐसी कोई चीज़ रखी है। फटाफट से इसके अंदर ये फिलिंग भरें, खूब अच्छे से फिलिंग इसके अंदर भर सकते हैं आप, और कोई ना टूटने का डर है ना टूटने का। ये देखो तो ये हमारी गुजिया बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं। और आपको ऐसे ऐसे आता है वैसे कर ले, नहीं तो सांचे से बना ले आपके पास में जो भी हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे आप बंद करके इसको बना सकते हो। देखो गुजिया बन के तैयार होगी। गांव में ऐसे बनाते हैं ना गुजिया, तो इनको हम रेस्ट पर रखेंगे। सारी गुजिया मैं ऐसे बना, हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। और देखो ये मैंने जो हाथ से बनाई हुई हैं, ये जिनके पास अगर मशीन नहीं है सांचा नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं अपने हाथ से भी, और ये मैंने सांचे से बनाई है। तो देखो ये मेरे पास इसके मैं डाल डाल के मैंने बनाई हैं। तो हमारा ऑयल हो रहा है गरम, अब हम इनको क्या करेंगे, इनको तलेंगे। ये देखो हमारा ऑयल गरम हो रहा है, ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें धीरे से हम इसको गुजिया डालेंगे। जितनी आपकी इसमें आ जाती है उतनी गुजिया इसमें डालें। तो मैं देखती हूँ मेरी इसमें कितनी आएंगी। ये मैंने इसमें चार गुजियों को छोड़ दिया। गुजिया हमारी सीख चुकी है, इनको इतना ही सेकना है। ये देखो बिल्कुल ये हमारी ऐसी गुजिया सेकनी है इसको।
को हम निकाल लेंगे। फिर से हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, फिर इनको पलट देंगे। हमारी गुजिया बन चुकी हैं, तो देखो फ्रेंड्स हमने कैसे गुजिया बनाई हैं, और आप भी घर में रखे हुए सामान से अपने घर पर होली पर गुजिया बना सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भई हम बच्चों को मेवा वाली नहीं खिला सकते, तो देखो अंदर से भी खूब अच्छे से भरी हुई हैं और बहुत अच्छी बन के तैयार हुई हैं। तो आप भी ऐसे गुजिया बनाएँ और अपने बच्चों को होली इंजॉय कराएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।